মনে করছো? আজ হম ক্লাস সেভেন মে সাবজেক্ট আপকো জানতে হি মে কি আমারা জো সাবজেক্ট হে ও হে আপনারা হে লেসন ফার্স্ট সেট কে থার্ড লেসন জো আপনে কমপ্লিট কিয়ে হে কমপ্লিট কিয়ে হে এক্সারসাইজ उसमें आप लोगों ने जो है गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम ओके स्वाति Yes, ma'am. Sumit Sahu. आप लोगों को आवाज आ रही है ना आज तो? Yes, ma'am. Okay, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, okay? Yes, ma'am. तो आपको मालूम है ना आज हम लोग हिंदी मैं अपना जो लेसन चल रहा है लेसन 9 में और वो है वॉरियर ये क्या है एक विशेष प्रकार की छोटी सी चिड़िया है जो कि आप घरों में देखा होगा जिनके घर पर क्या होता है छप्पर छप्पर आप जानते हो ना छप्पर मतलब जो उसके होते हैं मिट्टी के बने हुए वहां पर जाके वो क्या करती है अपना घर बनाती है ओके तो आज हम इसी चिड़िया के बारे में जो है ये कविता पढ़ेंगे और इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं जिन्होंने ये प्यारी सी कविता लिखी हुई है चिड़िया के बारे में वो है डॉक्टर सिमंगल सिंह सुमन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इनका जीवन परिचय समझ लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ इनकी मृत्यु कब हुई आपके सिलेबस में भी ये चीजें नहीं है लेकिन कहते हैं ना थोड़ा सा आवाज आ रही है ना प्रियांशी गुप्ता आवाज आ रही है ना बेटा आप अपने साइड से अनम्यूट कीजिए आप म्यूट किए हैं अनम्यूट करिए सुमित साहू यस मैम आ रही ओके आवाज आ रही है ना सारे बच्चों को यस मैम तो आप लोग भी जब कहा जाए आप लोगों से कि म्यूट हो जाइए तो आप लोग कर लिया करें अभी आप लोग अनम्यूट रहिए जिसमें हमें भी समझना आएगा कि आपके कोई क्वेश्चन तो नहीं है अब आप लोग बड़े बच्चे भी हो ना शोर शराबा तो करते नहीं हूँ जिसलिए हम बोले आप लोग की भाई म्यूट कर लीजिए क्यों सुमित साहू यस मैम स्वाति अनमोल सभी लोग आप म्यूट करिए यस मैम टाइम वेस्ट मत करवाइए ना बेटा क्योंकि अब आपके एग्जाम भी होंगे है ना तो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना तैयार होना है ना यस मैम शायद आप लोगों के स्कूल भी खुल जाए यस मैम है ना तो आप लोग बिल्कुल पढ़ाई पर फोकस अपना रखिए ध्यान रखिए क्योंकि आप जितना पढ़ाई से दूर भागेंगे वो आपको उतना ही परेशान करेगी है ना तो आपको क्या करना है उस परेशानी से लड़ने की हिम्मत रखनी चाहिए कि नहीं हमको पढ़ना है ओके तो आज हम एक प्यारी सी कविता पढ़ने वाले हैं वो एक छोटी सी चिड़िया है जिसका नाम गौरिया है और इस कविता को लिखने वाले जो कवि है उनका नाम है डॉक्टर सिंह मंगल सुमन तो इनका जो जन्म है कहाँ हुआ इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में उन्नाव में इनका जन्म 1915 में इनका जन्म हुआ वहां पर उन्नाव जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां पर उनका जन्म हुआ ओके इसके बाद इनकी थोड़ा सा मृत्यु और इनकी कुछ कविताएं हैं और एक ये शिक्षक भी थी
क्या थे, एक शिक्षक भी थे। क्या शिक्षक को कविताएं लिखने का पसंद नहीं होती क्या, वो कविताएं नहीं लिख सकता है कि लेख नहीं कर सकता है? क्या केवल शिक्षक का कर्म केवल पढ़ाना ही होता है? तो ये क्या थे, शिक्षक भी थे और एक कवि भी थे। इन्हें कविताएं लिखने का बड़ा ही शौक था और इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं जिनमें से जो आज जो हमें ग्वालिया चिड़िया पढ़ रहे, मुक्ति की महक, है ना, ये इनकी बहुत सी प्रसिद्ध कविताएं हैं। ओके, तो आपको मंगल सिंह सुमन का जन्म मालूम हो गया। इनका जन्म 1915 में उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 2002 में हुई। ओके, सुमित, यस मैम, सुमित साहब, सिमंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ? चलिए क्रांति आप बताइए कब हुआ इनका जन्म? 1915 में उन्नाव जिले का, सॉरी उन्नाव जिले जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। समझ में आया? यस मैम। ओके, मैम एक बार इसे, अब इसके बाद आपको अपना लेसन, ये जो है आपका लेसन, ये है चिड़िया। ओके, ये जिस चिड़िया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चिड़िया की एक्टिविटी यहाँ पर इस कविता में उन्होंने बताई है। सिमंगल सिंह सुमन ने क्या है, ग्वालिया चिड़िया की क्या बताइए यहाँ पर, उसकी छोटी सी छोटी जो वो हरकतें कर रही है उसको यहाँ पर इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया। तो यहाँ पर डॉक्टर सिमंगल सिंह सुमन के बारे में लिखा है कि डॉक्टर सिमंगल सिंह सुमन मध्य प्रदेश के स्थापित लेखकों में से एक है। वो लेखक भी थे और प्लस आपको बताया ना, ये लेख लिखने का, कविताएं लिखने का और वो साथ साथ एक शिक्षक थे। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी वहां की संस्कृति के बारे में भी लेख काफी लिखे हैं। सुमन जी ने 10 काव्य संग्रह, 2 आलोचनात्मक ग्रंथ एवं अनेकों संस्मरण, आपको हिंदी में बताया भी गया है कि कुछ कविताएं भी होती है, संस्मरण भी होते हैं, लेख भी होते हैं, निबंध भी होती है, डायरी भी होता है, पत्र भी होता है ना, रिपोर्टाज भी होता है, नाटक होती है, एकांकी होती है। तो इन्होंने भी अनेक जो है काव्य के संग्रह के साथ साथ इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ एवं अनेकों संस्मरण तथा विलुप्त मात्रा में निबंध, रिपोर्टाज आदि की रचना की। इन्होंने कविता के साथ साथ संस्मरण भी लिखे हैं, लेख भी लिखे हैं और इसके साथ साथ इन्होंने जो है क्या है, धन्यवाद रिपोर्टाज, संस्मरण, आलोचनात्मक काफी ग्रंथ है ना, इन्होंने ये भी लिखा। ओके, यस मैम। प्रियांशी आवाज पहुंच रही है ना बेटा? यस मैम। आवाज आ रही है ना स्वाति? यस मैम। ओके, तो इसके बाद हम जो डॉक्टर सिमंगल सिंह सुमन की कविता है, जिसकी पास बुक है वो अपनी बुक ओपन कर लीजिए पेज नंबर 52 और जिसके पास नहीं है तो मैं यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां लिखते हुए उनकी हम क्या करना है, व्याख्या करनी है, संदर्भ प्रशंसा सहित उनकी हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। आपको पहले ही समझाया गया है जब आपको कोई कविता दी जाती है, दिख रहा है प्रियांशी? यस मैम। तो जब आप किसी कविता को पढ़ते हैं या गद्यांश को पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं, उसका हमें क्या करना पड़ता है, संदर्भ प्रशंसा सहित उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। तो अब इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस लेसन में आए हुए जो शब्दार्थ है उनको हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। ओके, तो शब्दार्थ में है सबसे पहला है एक ग्वालिया, ये क्या है, एक छोटी सी चिड़िया जो कि घरों में घरों के छपरों पर देखी जाती है। क्या है,
मैम शब्दार्थ लिखा रही है क्या है बेटा मैम शब्दार्थ लिखा रही है आवाज नहीं आ रही है नो मैम शब्दार्थ लिखा रही है आप क्या है दिख नहीं रहा है क्या बेटा आप लोगों को नो मैम शब्दार्थ मैम दिख रहा है अब समझ में आ रहा है मैम वो पूछ रही है कि शब्दार्थ लिखा है तो सबसे पहला जो हमारा शब्दार्थ है वो है गोला ये मैम थोड़ा साइड हो जाइए आवाज नहीं आ रही है क्या रागनी अनमोल स्वाति सुमित प्रियांशी यस मैम मैम आवाज आ रही है मैम एग्जाम कब होने मैम
यहाँ से बेटा आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है, ओके यहाँ से कोई भी समस्या नहीं है आप लोगों के, यहाँ पर जो नेटवर्क इशू है उससे है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर आवाज जा रही है, यहाँ से सिग्नल मिलता है ना देखने को इसीलिए, ओके मैम। अब इसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, ये जो कविता की पंक्तियां दी गई है इनका हमें संदर्भ प्रशंसन है इसकी व्याख्या करनी है। जिसके पास बुक हो तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए, इसमें पेज नंबर 52 आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कविता की जो पंक्तियां दी गई है, मेरे मन पहले आंगन में सुधक रही है गौरिया, कच्ची मिट्टी की दीवारें आशपात का छाजन, मैंने अपना नीड बनाया तिनके तिनके चुन चुन कर चुन चुन, यहाँ कमर से तू आ बैठी हरियाली की रानी। ओके अब हम क्या करते हैं, कविता की जो पंक्तियां हैं उनका हम संदर्भ प्रश्न पहले व्याख्या करते हैं। ओके जिसमें है मेरे मन पहले आंगन में, मेरे मन पहले आंगन में मिट्टी के बने हुए कविता की ये जो पंक्तियां दी गई उनका आपको क्या करना है, उनका आपको संदर्भ व्याख्या करनी। आपको अगर एग्जाम में आपको कई बार समझाया जा चुका है, एग्जाम में यदि आपको ऐसे कोई कविता दी गई है और कहा जाता है कि निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ प्रशंसन व्याख्या करिए, तो आप व्याख्या में क्या क्या ध्यान देंगे कि संदर्भ प्रश्न और व्याख्या, आपको ये तीन पद में कविता की पंक्तियां हो चाहे गद्य का गद्य हो या पद हो तो उनकी आपको व्याख्या कैसी करनी है, तो अब आपको समझ में आया है ना। सबसे पहले आप बताएंगे संदर्भ, अब आप जो संदर्भ बताएंगे तो संदर्भ में आप क्या करना है, संदर्भ संदर्भ में जो है आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है कि ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है, किस बुक में है, कौन सा पार्ट है, आपको कई बार ये चीजें समझा जा चुकी है, ठीक है। तो आप संदर्भ में क्या चीज लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ पुस्तक भाषा भारती बुक से किताब से पाठ नौ गौरिया चीता गौरिया नामक कविता से ली गई है, और इसके जो कवि हैं लिखने वाले रचयिता हैं वो डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। समझ में आया आपको रागनी? यस मैम, यस मैम। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपने संदर्भ बताया, अब आपको क्या बताना है प्रश्न, क्या बताना है प्रश्न। अब आप प्रश्न में आपको कई बार बताया जा चुका है कि प्रश्न में आपको इस चीज की जो प्रसन्नता बताई जा रही है, मतलब उसको विशेष तौर से लिया जा रहा है, उसके बारे में आपको एक छोटी सी बात उसमें लिखनी है। प्रश्न में क्या है, यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि गौरिया चिड़िया के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, यहाँ पर इस कविता की
पंक्तियों में हमें समझाया जा रहा है। आप क्या लेंगे? कवि ने गौरव नामक एक छोटी सी चिड़िया के बारे में यहाँ पर कुछ वर्णन किया है या उसके संबंध में कुछ बातें बताएंगे। इसके बाद है आपका व्याख्या। अब आपको व्याख्या जो करनी है, अब आपको क्या करनी है, व्याख्या में आप क्या करेंगे कि मेरे पट पहले हम बन करेगा क्या होता है मिट्टी वाला आंगन। आंगन सॉरी क्या है मेरे पट पहले आंगन में कच्ची मिट्टी की दीवारें घास घास का छाजल यहाँ से
हरियाली की रानी, इस कविता में क्या बताया जाता है? इस कविता में मैंने अपना नीड बनाया, नीड का क्या होता है? हौसला। तो मैंने अपना नीड बनाया, तिनके तिनके चुन चुन यहाँ से धुआं बैठी हरियाली की रानी। अगर आप सिर्फ फिट करना चाहते हैं, आप कविता की इन पंक्तियों की व्याख्या करिए, तो आपको सबसे पहले श्रृंगार प्रश्न और व्याख्या। जब संदर्भ अभी चर्चा नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर पूर्वक मतलब पूर्व के अनुसार बता सकते हैं, है ना। संदर्भ बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, तब जब आप पूरा लेसन कंप्लीट करते हो तब। यदि आपको यहाँ पर एग्जाम में दो प्रकार की कविताएं दी जाए अलग अलग कवियों की, तब आपको वहां पर चेंज संदर्भ करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, आपको एक ही कवि की कविता है और क्या है, एक ही लेसन है और यहाँ पर अभी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए संदर्भ को पूर्व की तरह ही रखते हैं। अब प्रश्न में क्या बताएंगे कि यहाँ पर ग्वालिया चिड़िया को हरियाली की रानी बताया गया, ये आपका प्रश्न हो गया। और अब आप व्याख्या में क्या बताएंगे, मैंने अपना घोंसला, इनके इनके मतलब आप इनके जानते होंगे, आपने चिड़ियों को देखा होगा कि वो छोटी से छोटी तिनके को अपनी चोंच में दबा कर लाते हैं और उस तिनके से घास का तिनका होता है, देखे हो ना। Yes, तो घास के तिनके से वो क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। यहाँ से धुआं बैठी हरियाली की रानी, तो कभी कह रहे हैं कि मेरा जो घर है वो मिट्टी का बना हुआ। मैम पेपर कब होंगे? हेलो, क्या बात है बेटा? हेलो मैम, यस मैम, पेपर मैम मैम पेपर कब होंगे? सब एग्जाम होंगे तब आपको बताया जाएगा, लेकिन आप लोग पहले से तैयार रहिए, ठीक है। यस मैम, आप पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, जहां तक सिलेबस चल रहा है आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट करते जाना है, ओके। यस मैम, मैम स्कूल कब खुलेंगे? अब देखते हैं स्कूल का, आप न्यूज देखते रहिए, ओके। 9th, 10th, 11th, 12th खुल चुका है, शायद बहुत जल्दी ही आप लोगों के भी स्कूल खुल जाए, ओके। हम लोग भी आशा करते हैं कि भाई स्कूल खुले, बच्चों को हम सामने से पढ़ाएं, अच्छा लगता है आप लोगों से ही सब हम लोग हैं, ओके। Yes, sir. Yes, ma'am. Okay. तो इसके बाद ये जो सेकंड है, इसमें क्या है, कभी कह रहे हैं कि मेरा घर जो है घास पत्तों का छपरों का बना हुआ है, जिस पर वह अपने क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है, छोटे छोटे से तिनकों को जोड़कर चिड़िया क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। कभी कहते हैं कि ये छोटी सी चिड़िया माया चिड़िया मेरे सच्ची से आनंद में क्या कर रही है कि अपना वहां पर घास के तिनकों को चिमचिमा रखे, अपना घर लेने मिट्टी के आनंद में घास पत्तों के छाजन छप्परों पर अपना घर बना रही है। तू तो हरियाली की रानी, हरियाली जानते हो हरे भरे, तो सभी कहते हैं कि तू तो हरियाली की रानी है, तो मेरे घर में
मेरे कच्चे मिट्टी के घर पर तू अपना घोंसला बनाना चाहती हूँ। इसके बाद है ऊपर से धान में देख रहा जी का ग्राम है है मेरे मन पहले आंगन में मेरे मन पहले आंगन में लग रही तो अब आपको बार बार यही चीज बताई जा रही है बच्चों कि आपको श्रृंगार उनकी रचना है उसमें आपका कवि का काम है कि मेरा मन करता है कि मैं उस चिड़िया को हंसते देखूं उसको देखते ही रहूं। ओके इसके बाद हिंदी में नई एक नई कुकी है प्रियांशी गुप्ता मैम आपने अभी कमेंट में लिखा है कि जो आपने फर्स्ट पंक्ति मतलब जो हमने आपको फर्स्ट पंक्तियां बनाई है उसमें क्या लिखना है। यस मैम। ओके तो पहली जो हमने कविता लिखी थी उसमें क्या है मेरे मन पहले आंगन में कविता किसके द्वारा लिखी गई है इसके कवि कौन है और ये किस बुक से ये आपको बताना है। तो आप बताएंगे संदर्भ में कि यह कविता हमारी पाठ पुस्तक आशा भारती पाठ नौ गौरिया नामक चिड़िया नामक पाठ से ली गई है और इसके जो रचयिता है या कवि है वो डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। प्रश्न में आपको क्या बताना है इसमें गौरिया चिड़िया के बारे में व्याख्या की गई है। इसके बाद अब आपको व्याख्या में बताना है कवि कह रहे हैं कि मेरा जो आंगन है वो मिट्टी का बना हुआ है मेरा जो आंगन है वो मिट्टी का बना हुआ है मटमैला है गंदा है ना फिर भी ये प्यारी सी चिड़िया गौरिया चिड़िया मेरे आंगन पर क्यों खुदक मेरे घर की जो दीवारें हैं मतलब वो मिट्टी की बनी हुई है और गौरिया चिड़िया क्या कर रही है घास पात का छाजन मतलब मेरे घर की जो छत है वो घास पात घास पत्तों की बनी हुई है और मेरे घर में क्या छपा हुआ है छाजन मतलब छप्पर छाए हुए है फिर भी ऐसे घर में तुम अपना घोंसला क्यों बनाना चाहती हो मेरे घर में उधर पर क्यों फुदक रही हो मेरे मटमैले आंगन में। ओके प्रियांशी समझ में आया। यस मैम। कोई दिक्कत है आपको? नो मैम नहीं है। मैम प्रियांशी यस मैम अब आपको समझ में आ गया। यस मैम। ओके इसके बाद तीसरी जो व्याख्या हमें इसकी करनी है उसमें क्या पूछा गया जी करता है मुझे छू लो ले लो मधुर बलैया मेरे मटमैले आंगन में उधर बनी है गौरिया कभी कह रहे हैं कि मेरा मन करता
गौरैया चिड़िया की बनैया माता नजर को उतार रही है या किसी भी व्यक्ति की उसे नजर ना लग जाए क्योंकि वो देखने में इतनी प्यारी इतनी सुंदर है ना, तो मैं मेरा जी करता है कि मैं उसे देखता ही रहूं उसकी नजर का जब मैं देखता ही रहूं तो शायद उसको नजर लग जाए तो मैं उसकी भलैया मतलब उसकी नजर उतारना चाहता हूँ जिससे कि उसे नजर ना लगे तेरे मन मैले आनंद में उतर रही है गौरैया। तो कभी कह रहे हैं कि मेरा जूना पहला मूर्ति से बना हुआ आंगन है उसमें चिड़िया गौरैया चिड़िया बाहर उतर मतलब उछल कर रहा है। इसके बाद में इसी से संबंधित आप लोगों के क्वेश्चन ये इसी से आपको कविता की जो पंक्तियां हैं उसका आपको अच्छे से व्याख्या जो है वो आपको समझ लेना चाहिए क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन। ओके फिर है नीलम सी, क्या है नीलम की सी सोने से सुंदर था, सोने से सुंदर पर क्या होता है पंख, क्या है काम होगा बाकी जाती फर 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 जो अभी लगता है
उन पंक्तियों का जो है लास्ट पंक्ति आप उसकी व्याख्या कर लेती है। इसके बाद अभी ये कविता काफी बड़ी हुई है, बड़ी है, उसकी व्याख्या हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा आप एक पंक्ति की व्याख्या उधर कर रही कर हमारी मोबाइल की बैटरी कम। फाइव नंबर में है।